महादेवी, यही मेरा सत्य है। समझ नहीं आ रहा कि सत्य किसे मानूं और किसे असत्य। प्रत्यक्ष सत्य है और भ्रम असत्य। अर्थात मैं ही सत्य हूँ और आपसे विवाह के लिए मना करना मेरा ही सत्य है। फिर ये वरमाला जो आपने मेरे गले में डाली है, ये क्या है? वो असत्य है देवी, आपकी आंखों का भ्रम। वो वरमाला नहीं, मुंड माला है। ये सब क्या है? ये सब क्या रहस्य है? इस रहस्य को जानने के लिए आपको तपस्या करनी होगी देवी। विवाह नहीं अब मत होगा। इन कुमारी कन्याओं का भी इसी क्षण वध करूंगा मैं। क्षमा करें महाराज, परंतु आपने इन कन्याओं का हरण विवाह करने के लिए करवाया था। हाँ, हरण करवाया था, इनसे विवाह कर अपनी मृत्यु के कारण का अंत करने के लिए। किंतु जब मैं उस सुंदरी मछुआरन का वरण नहीं कर सका, तो फिर इनका वरण करने से क्या लाभ? उस सुंदरी से विवाह ना होने का परिणाम तो इन सबको भोगना ही पड़ेगा। इसलिए अब इनसे विवाह नहीं। ठहरिए महाराज। कहो, क्या संदेश लाए? महाराज, वो मछुआरन कन्या अविवाहित रह गई। क्या? हाँ महाराज, उसका विवाह रुक गया। इसका अर्थ ये है कि नियति अब भी मेरे साथ है। कन्या, अब या तो तुम मुझसे विवाह करोगी या मेरी तलवार की भेंट चढ़ोगी। महाराज, परंतु इनका क्या होगा? विवाह के बाद इन सब की बात करूंगा मैं। देवी, विराजी है। स्मरण कीजिए, यही वो आसन है जहां आपने मछुआरन कन्या के रूप में तप किया था। कन्या, अपने नेत्र खोलो और देखो तुम्हारे समक्ष कौन खड़ा है। मैं वाणासुर तुमसे विवाह करना चाहता हूं। किंतु मैं अब विवाह नहीं करना चाहती। क्यों? क्योंकि मेरा हृदय टूट चुका है। किसने तोड़ा हृदय? सबने। और अब मुझे किसी पर विश्वास नहीं रहा। सब स्वार्थी हैं। किंतु मैं स्वार्थी नहीं, मैं पुजारी, रूप का पुजारी, प्रेम का पुजारी। तो आप मेरा हरण कर लीजिए, ले चलिए मुझे अपने साथ। नहीं,
हरण में मिलन का वो आनंद नहीं जो प्रेम के साथ वरण में है। किंतु अब मैं समझ गई कि इस संसार में कोई भी नहीं है मेरे हृदय के भावनाओं को समझने वाला। मैं हूँ। यदि मैंने तुम्हारी मन की भावनाओं को ना समझा होता तो बल का प्रयोग किया होता तुमसे विवाह करने में। प्रेम निवेदन नहीं देवी, आपसे निवेदन है मेरा, ये अस्वीकार मत कर। किंतु कैसे स्वीकार करूं? स्वीकार करने में समस्या क्या है? समस्या है कि आप एक असुर हैं। आसुरी प्रवृत्ति यथा लोभ मोह काम क्रोध में लिप्त, और मैं धर्म के मार्ग पर चलने वाली, सात्विक विचारों पर रहने वाली एक साधारण मनुष्य हूं। इसलिए आपका और मेरा मेल संभव नहीं है। ठीक है, मैं बदल दूंगा स्वयं को तुम्हारे लिए। बताओ मुझे क्या करना है, मुझे मार्ग बताओ। वो मैं आपको नहीं बताऊंगी, उसे आपको स्वयं पता करना होगा। ठीक है, यदि इसी में तुम्हारी प्रसन्नता है तो मैं पता कर लूंगा। यदि आप पता कर लेंगे तो मैं मान जाऊंगी कि वास्तव में आप सभी असुरों में श्रेष्ठ हैं, और अंततः आपसे विवाह कर लूंगी। किंतु स्मरण रहे कि इसमें आप किसी भी देवता अथवा अन्य की सहायता नहीं लेंगे। स्वीकार। तो अब जाइए और शीघ्र आइए उपाय पता करके। किस मार्ग जाऊं, कौन सा उपाय हो सकता है इस कन्या से विवाह का? किस बात से वो प्रसन्न होगी, मुझे श्रेष्ठ मानेगी? नारायण नारायण। असुर राज बनासुर बड़े चिंतित प्रतीत होते हैं, क्या मैं आपकी कोई सहायता कर सकता हूँ? आप देवता होकर मेरी सहायता करेंगे? कहीं इसके पीछे आपका कोई षड्यंत्र तो नहीं? नारायण नारायण, ये कैसा आरोप लगा रहे हैं आप मुझ पर? ये मत भूलिए कि मैं कोई देवता नहीं, एक ऋषि हूँ। मेरा तो धर्म ही है कि संसार के समस्त प्राणियों की सहायता करना, चाहे वो देव हो या असुर। कदाचित आप सत्य कह रहे हैं, किंतु आप मेरी कोई सहायता नहीं कर सकते। नारायण नारायण, क्यों नहीं कर सकता? ऐसा कौन सा कष्ट है आपको? प्रेम, प्रेम है मेरी पीड़ा का कारण, और आप ठहरे ब्रह्मचारी। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि अपनी प्रेमिका को प्रसन्न कैसे करूं। इस विषय में आप मुझे कोई परामर्श नहीं दे पाएंगे? नारायण नारायण, सत्य कहा सुरराज कि प्रेम के बारे में मैं ज्यादा जानकारी नहीं रखता, किंतु मैं एक ऐसी वस्तु के बारे में अवश्य जानता हूँ जिसे पाकर आपका प्रेम सदा के लिए आपका हो जाएगा। क्या, कौन सी है ऐसी वस्तु, शीघ्र बताइए। ब्रह्म कुंड में खिलने वाले दुर्लभ ब्रह्म कमल, उन पुष्पों की बरमाला अगर आपने अपनी प्रेमिका के गले में डाल दी तो आपकी प्रेमिका सदा आपकी हो जाएगी। अति उत्तम, धन्यवाद देवऋषि। अब शीघ्र ये भी बता दीजिए कि ये ब्रह्म कुंड है कहाँ, मैं अभी जाकर ब्रह्म कमल प्राप्त कर लेता। नारायण नारायण, किंतु ये कार्य इतना सरल नहीं है सुरराज।
वो कुंड उत्तर दिशा की ओर एक गोपनीय स्थान पर है और उस कमल को वही प्राप्त कर सकता है जिसका अंतर्मन पंच विकारों से मुक्त हो। नारायण नारायण। आप निश्चिंत रहिए देव ऋषि, मेरी प्रेमिका ने भी मुझसे 5 विकारों पर विजय प्राप्त करने को कहा है। संभवतः उस ब्रह्म कुंड का मार्ग ही मेरी 5 विकारों पर विजय का मार्ग हो। अब कुछ भी हो जाए, ब्रह्म कमल मैं प्राप्त करके ही रहूंगा। मुझे आपकी आवश्यकता है, बाणासुर के संहार में मुझे आपकी सहायता चाहिए। बाणासुर के संहार में आपके योगदान का समय आ गया। प्रणाम माता, मैं धन्य हुआ कि आपने मुझे अपने इस कल्याणकारी कार्य में योगदान के लिए स्मरण किया। बताइए मैं क्या कर सकता हूँ। भैरव, बाणासुर के संहार का वो उचित समय आ गया है। मैंने बाणासुर को अपने आत्मिक विकारों यथा क्रोध, लोभ, मोह, काम, द्वेष पर विजय प्राप्ति करने के लिए भेज दिया है और देव ऋषि नारद ने भी उसे ब्रह्म कुंड की ओर भेजने का कार्य पूर्ण कर दिया है। अब आपको अपने बुद्धि और विवेक का प्रयोग करना होगा तथा ये परीक्षण करना होगा कि क्या बाणासुर अपने इन अवगुणों को त्याग पाने में सफल होता है या असफल। मैं समझ गया माता कि मुझे क्या करना है। अचानक मार्ग कहां समाप्त हो गया? मैं आगे कैसे जाऊंगा? अपने लक्ष्य की प्राप्ति कैसे करूंगा? मुझे उस कुटिया में जाकर दूसरी मां के विषय में पूछना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सन्यासी, क्या तुम मुझे यहां से आगे जाने का मार्ग बता सकते हो? नहीं बताऊंगा। बताओ, नहीं तो। नहीं तो क्या, क्या कर लोगे तुम? नहीं नहीं, मुझे क्रोध को वश में करना है। संयम और धैर्य से काम लेना होगा, नहीं तो परीक्षा में असफल हो जाऊंगा। मैं आपसे विनती करता हूं, आप मेरी सहायता कर दीजिए, मुझे यहां से आगे जाने का मार्ग बता दीजिए। ठीक, विनती करते हो तो मार्ग बता दूंगा, परंतु पहले मेरी सेवा करो। बताइए क्या करना होगा मुझे? जाओ, मेरे लिए जल लेकर आओ। ओम नमः शिवाय। मूर्ख, पापी, अधर्मी संत को अशुद्ध जल देता है। जाओ, जाकर नदी से मेरे लिए जल लेकर आओ। जल लाने में इतना विलंब कर दिया, मेरी प्यास समाप्त हो चुकी है। जाओ,
जाकर पूरे आश्रम को स्वच्छ करो। जाओ। इनका तो क्या, एक कण भी आश्रम में नहीं दिखाई देना चाहिए। जाओ। कितना भी प्रयास कर लो बाणासुर, तुम मेरी परीक्षा में सफल नहीं हो सकते। अब सब कार्य पूर्ण हो गया, अब मुझे ब्रह्मकुंड जाने का मार्ग बता दीजिए। पहले मेरे चरण दबाओ। मैं चरण दबाओ? मार्ग का ज्ञान चाहिए तो चरण दबाओ, अन्यथा यहाँ से चले जाओ। सोच क्या रहे हो, आओ चरण दबाओ। इसने तो बिल्कुल भी क्रोध नहीं किया, इसका अर्थ ये क्रोध की परीक्षा में सफल हुआ। अन्य परीक्षाएं बाकी हैं। बाबा, मुझे आगे जाना है, क्या तुम मुझे आगे का मार्ग बता सकते हो? मैं तो स्वयं मार्ग भटक गया। तब यहां बैठकर किसकी राह देख रहे हो? उस वृक्ष पर लटकी पोटली की राह देख रहा हूं कि वो कब मेरे पास आ जाए। क्या है उस पोटली? स्वर्ण मुद्रा है, उसी के लिए इस मरुभूमि में बैठा हूं। तो जाओ उतार लो। नहीं उतार सकता, क्योंकि यह मायावी वृक्ष है। पोटली उतारने वाले को अपना मस्तक काटकर उस पोटली के स्थान पर लटकाना होगा, तभी उस पोटली को उतार सकता है। मुझे मरना नहीं है, मुझे अपने जीवन से बहुत लोभ है। तब उस पोटली को प्राप्त करने का क्या उपाय? एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जिसे अपने जीवन का कोई मोह ना हो, और वो अपना मस्तक काटकर उस पोटली के स्थान पर लटका दे और वो पोटली उतारकर मुझे दे दे। बस यही एक उपाय है। मुझे इस वृद्ध की इच्छा के सामने अपने जीवन का मोह नहीं करना चाहिए। पोटली उतारकर इसे दे देनी चाहिए। बाणासुर ने अपने जीवन का मोह किए बिना वृद्ध की निस्वार्थ सहायता करते, इसलिए मोह की परीक्षा में सफल हुआ।
अदृश्य हो गए। ये कैसी माया थी? सोनपुर में आपका स्वागत है। आप जैसे महान और बलशाली व्यक्ति सोनपुर में पधारे, यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। कृपया कर आप हमें अपनी सेवा करने का अवसर प्रदान करें, हमारी यह भेंट स्वीकार करें। कृपया हमारी तुच्छ भेंट स्वीकार करें और हमारे साथ चलें। आइए आइए महाराज, आज हमारी वर्षों की प्रतीक्षा पूरी हुई। आइए। प्रभु, अब बाणासुर के किस विकार की प्रतीक्षा होनी है? लोक की परीक्षा देवी, क्योंकि बड़े से बड़ा ज्ञानी, संत और विवेकशील व्यक्ति भी लोक के वशीभूत होकर धर्म के मार्ग से भटक जाता है। तब ऐसे में वो अज्ञानी अविवेकी बाणासुर कैसे इस परीक्षा में सफल हो पाया होगा? ये तो आने वाला समय ही बताएगा देवी, जब वैसी स्थिति के भंवर में बाणासुर फंसेगा। राजन, ये कल्प वृक्ष है, इस वृक्ष से आप संसार की कोई भी वस्तु मांग सकते हैं। ऐसा है, ये वृक्ष कुछ भी दे सकता है। प्रत्यक्षम केम प्रमाणम, आप मांग कर देखिए। मुझे भोजन चाहिए। राजन, अब ये वृक्ष आपका हुआ। और ऐसी कौन कौन सी वस्तुएं हैं आपके राज्य में? मेरे नहीं, आपके राज्य में। राजन आइए, मेरे साथ आइए। महाराज की जय! 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 ये सिंहासन कब से अपने उत्तराधिकारी की प्रतीक्षा में रिक्त पड़ा है? कृपया सिंहासन पर विराजमान हो और हम नगर वासियों को अनुग्रहित करें। आज से इस राज्य की संपूर्ण धन संपदा पर आपका अधिकार है, कृपया यह सिंहासन ग्रहण करें। आपका ये स्नेह शिरोधार्य, किंतु मैं ये सिंहासन ग्रहण नहीं कर सकता। मुझे इसकी आवश्यकता नहीं, मुझे आवश्यकता है ब्रह्म कुंड के मार्ग की। आप मुझे केवल वहां तक जाने का मार्ग बता दें। यह समस्त संपत्ति और ऐश्वर्य को त्याग कर लोभ की परीक्षा में सफल हुआ, इसे मार्ग बताना होगा। जैसी आपकी इच्छा। Thank you.
पहुंच गया मैं उस स्थान पर जहां से ब्रह्म कमल पुष्प मुझे प्राप्त होंगे। अब यहीं से पुष्पों की वरमाला उस कन्या के लिए लेके जाऊंगा और फिर उससे अविलंब विवाह करूंगा। अद्भुत, ऐसा दिव्य कुंड तो संसार में मैंने कभी नहीं देखा और ना ही देखे। कमल पुष्पों से प्रकाश निकलते, अद्भुत। अब जब इन पुष्पों की वरमाला मैं उस कन्या को पहनाऊंगा तो निश्चित ही वो भी मोहित हो जाएगी और फिर हमारा मिलन होगा, मधुर मिलन। प्रभु अब जो भी कर सकते हैं आप ही कर सकते हैं। प्रभु यदि वो इस परीक्षा में सफल हो गया तो वचन अनुसार माता पार्वती को उससे विवाह करना ही पड़ेगा प्रभु। और इस विवाह का अर्थ है अनर्थ, वो अविजित, अभेद, अविनाशी, अमर हो जाएगा प्रभु। इसके बाद संसार की कोई भी शक्ति बानासुर का संहार नहीं कर पाएगी। हाँ प्रभु, और एक असुर का अमर होना अर्थात सृष्टि का नाश और धर्म का विनाश, इसलिए कुछ कीजिए प्रभु, कुछ कीजिए। सुर नहीं, तुम्हें इसकी सुंदरता पर मोहित नहीं होना है, अन्यथा परीक्षा में असफल हो जाओगे और इस कन्या से विवाह का स्वप्न स्वप्न ही रह जाएगा। नारायण नारायण, कितना सुंदर दृश्य है, मन आनंद विभोर हो गया, प्रभु को मोहिनी रूप में देखकर धन्य हो गया। आकर्षक छवि धरा पर ऐसी भी रूपसी होती है, अविश्वसनीय, अकल्पनीय, देवी तुम्हारे रूप ने हमें मोह लिया है, कौन हो तुम? ये क्या, सब ब्रह्म कमल भी अदृश्य हो गए? ये छल है, मेरे साथ किसी ने छल किया है। तुम देवताओं ने हम असुरों के साथ हमेशा छल किया है और आज भी वही किया। बाणासुर, ये छल नहीं तुम्हारी परीक्षा थी जिसमें तुम असफल हो गए, परंतु मैं शांत बैठने वाला नहीं। उस कन्या को तो मैं येड़ केड़ प्रकारेण प्राप्त करके ही रहूंगा। संसार की कोई भी शक्ति मुझे उसे प्राप्त करने से रोक नहीं सकती। बाणासुर ने क्रोध, लोभ और मोह पर विजय प्राप्त की और परीक्षा में सफल हो गया।
परंतु काम की परीक्षा में असफल हो गया। वो स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख सका, फलस्वरूप ब्रह्म कुंड से ब्रह्म कमल लाने में असफल हो गया। इस असफलता से बाणासुर का अहंकार और भी प्रचंड हो गया होगा। फिर उसका संहार हुआ कैसे? बाणासुर, तुम परीक्षा में सफल नहीं हुए और ना ही ब्रह्मकुंड से ब्रह्म कमल लाने हुए, इसलिए के विवाह नहीं हो सकता। विवाह तो होकर रहेगा सुंदरी, छल से या पल से। बाणासुर जो चाहता है वो पाता है। शक्ति के वचन के सत्य होने का समय आ गया है। कहा था उन्होंने कि तुम्हारा वध एक कुमारी कन्या ही करेगी। तुम करोगी मेरा वध? तभी तो तुम मेरा तेज सहन नहीं कर पाए। चलो बाणासुर, तुमने एक कन्या की इच्छा के विरुद्ध जाकर उसे स्पर्श करने का अपराध किया है, इसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। मैं स्वर्गाधिपति हूं भैरव, तुम स्वर्गाधिपति को दंड दोगे। दंड तो तुम्हें मैं करूंगा, मेरे मार्ग में बाधा बनने के अपराध में। होने का धर्म निभाया, मैं कृतज्ञ हुई। अब आप इसे छोड़ दीजिए, क्योंकि इस दुष्ट का संहार आपके द्वारा नहीं अपितु मेरे द्वारा नियत है, एक कुमारी कन्या के द्वारा। यदि आप इसका वध करेंगे तो विधि का विधान खंडित हो जाएगा। जैसे आपकी इच्छा माता। नहीं पाओगे, तुम्हारा अंत निश्चित है। माता, माता, माता रक्षा, माता रक्षा, रक्षा करें। माता मुझे क्षमा कर दीजिए,
क्षमा कर दीजिए। तुम क्षमा योग्य नहीं हो बाणासुर, किंतु तुमने मेरी तपस्या की है, इसलिए मैं तुम्हें क्षमा करती हूं। और तपस्या का फल कभी नष्ट नहीं होता, इसलिए मैं तुम्हें क्षमा करती हूं। और आज से तुम इस शक्तिपीठ के बाहर वास कर। मैं आपकी आज्ञा का सदा पालन करूंगा। मेरा ये शक्तिपीठ संसार में माता कन्या कुमारी के नाम से प्रसिद्ध होगा, और जो भी यहाँ सच्चे मन और पवित्र भाव से मेरी पूजा करेगा, उसे मनोवांछित फल प्राप्त होगा। इस प्रकार इस जागृत शक्तिपीठ की स्थापना हुई। प्रभु, इस शक्तिपीठ के स्थापना की कथा तो आपने सुना दी, किंतु धरती लोक पर मेरे जन्म का रहस्य वो अब तक नहीं बताया। मेरे जानने की प्रबल इच्छा है। देवी, एक मछुआरन के रूप में आपका जन्म लेना एक महान कार्य की पूर्ति के लिए ही था। पृथ्वीवासी के रूप में जन्म लेने के कारण आपको अपना अतीत स्मरण नहीं था। आपके गले में वरमाला है या नरमुंड की माला, यह आप पहचान नहीं पाए। नरमुंड की माला? हाँ, क्योंकि बिना इसके आपकी शिक्षा पूर्ण नहीं होती जिसके लिए आपने जन्म लिया था, जो पूरी हुई। कैसी शिक्षा प्रभु? तंत्र ज्ञान की संपूर्ण शिक्षा देवी, उसी का उपयोग कर आपने बाणासुर का वध किया। किंतु मैं एक साधारण मछुआरन उतने बलशाली असुर का वध करने में सक्षम कैसे हुई? ये मेरे लिए विस्मय का विषय है प्रभु। आप साधारण कन्या नहीं थी देवी, देवी पार्वती का रूप थी। बस अंतर ये था कि आप स्वयं को पहचान नहीं पाई, परंतु बाद में आपने स्वयं को पहचानने के लिए तप किया, किसी के लिए भी स्वयं को पहचानना अनिवार्य होता है देवी। तब के बीच बचपन से लेके बड़े होने तक आपने जो भी एकाग्रता का पाठ पढ़ा, उसी के माध्यम से आपने अपने वास्तविक रूप को जागृत किया। प्रभु, मैंने जो कुछ भी किया वो आपके बिना संभव नहीं था, क्योंकि शक्ति के शिव ही शक्ति है, शिव ही सृजक और शिव ही संहारक है। मैं तो केवल एक माध्यम थी। नहीं देवी, आप शिव के पूरक हैं। शक्ति नहीं तो शिव नहीं। नहीं प्रभु, शिव नहीं तो शक्ति अधूरी है।